चैप्टर 5 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 2 लाल बहादुर शास्त्री। हाँ तो बच्चों, मैंने पार्ट 1 आपको समझा दिया है, अब ये हो पार्ट 2, चैप्टर 2 का पार्ट 2। तो आपको मैंने क्या बताया था ना कि लाल बहादुर कर्मयोगी है, गुदड़ी के लाल है, आपको ये सब मैंने बता दिया था। आगे का मैं आज आपको एक्सप्लेन करा है। लाल बहादुर शास्त्री बड़े हुए, जब लाल बहादुर शास्त्री बड़े हो गए तो वे भी महात्मा गांधी जी के साथ भारत देश को आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। जब बड़े हो गए तो वे भी महात्मा गांधी के साथ देश को आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। गांधी जी ने जब सन 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया तो शास्त्री जी भी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। शास्त्री जी सदैव देश के हित के लिए और गरीबों के हित के लिए, जो लोग बेरोजगार हैं, गरीब हैं, जिनको पहनने और खाने की तकलीफ है, उनके लिए उनकी ही बातें सोचते थे कि क्या करो जिससे उनकी गरीबी दूर हो। देश के हित के लिए और गरीबों के हित के लिए वे सदैव सोचते थे, उन्हीं की बातें सोचते थे, उनके बारे में ही सोचते थे। वे लालच और व्यक्तिगत स्वार्थ से बहुत ऊपर थे। वो लालच और व्यक्तिगत स्वार्थ, बिना स्वार्थ का कोई काम नहीं करता। स्वार्थ के लिए तो सभी लोग काम करते हैं, जिसमें सबका स्वार्थ हो, खुद का स्वार्थ हो, उस वह काम तो सभी लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी में ऐसा कुछ नहीं था, वह जो भी करते थे निस्वार्थ भाव से, कोई लालच नहीं, लालच से वो परे थे, लालच और व्यक्तिगत स्वार्थ से बहुत ऊपर थे, बहुत ऊंचे थे। वे भारत की सेवा निस्वार्थ भाव से, वह अपने देश की सेवा निस्वार्थ भाव से करते थे, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता था। वे दिन रात परिश्रम करते थे, दिन रात एक कर देते थे परिश्रम और मेहनत करते थे। परिश्रम मीन्स मेहनत, जो भी काम करते थे वो बहुत लगन से करते थे। जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाता था तब तक वह परिश्रम करते रहते, जो भी काम करते थे वह मन लगाकर करते थे। एक दिन ऐसा आया कि इसी लगन और मेहनत, एक दिन ऐसा आया कि इसी लगन और मेहनत के कारण सन 1965 में वो भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। अपनी लगन और मेहनत के कारण ही उन्हें उनका लक्ष्य मिला, प्राप्त हुआ। सन 1965 में वह भारत के प्रधानमंत्री चुने गए, उसकी बागडोर उन्होंने संभाली। प्रधानमंत्री बनने के बाद 1965 में जब उन्हें प्रधानमंत्री का पद दिया गया, उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद शास्त्री जी ने लगन, परिश्रम, ईमानदारी से शासन की बागडोर को संभाली, शासन की बागडोर को संभाली। किसानों के प्रति शास्त्री जी के विचार सराहनीय थे। आगे मैंने आपको बताया था कि शास्त्री जी ने ही नारा दिया था जय जवान और जय किसान, तो किसानों के प्रति शास्त्री जी का विचार सराहनीय थे। वे खेती को देश में नए तरीकों से खाद्यान्न, वे खेती को देश में नए तरीकों से लाना चाहते थे, नए ढंग अपनाना चाहते थे जिससे और अधिक
बताती थी कि किसान खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर, खुद पर निर्भर हो, दूसरे पर निर्भर ना रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी यही चाहते थे कि किसान भी खाद्यान्न के लिए दूसरों की सहायता ना ले, खुद पर निर्भर हो, आत्मनिर्भर बने। सन 1965 में पाकिस्तान ने जब भारत के विरुद्ध जंग छेड़ा, जंग का ऐलान कर दिया, उस समय शास्त्री जी ने देश का अभूतपूर्व नेतृत्व, अपने देश का अभूतपूर्व नेतृत्व किया और युद्ध का मुंह तोड़ जवाब, युद्ध का उन्होंने मुंह तोड़ जवाब भी दिया। जवाब दे करके एक नई ऊर्जा देश में भर दिया, मुंह तोड़ जवाब दे करके एक नई ऊर्जा से अपने देश को भर दिया। शास्त्री जी के विचार गांधी जी के विचारों से मिलता जुलता, शास्त्री जी का विचार गांधी जी के विचार से मिलते जुलते थे। उन्होंने सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, मेहनत, लगन और आत्मविश्वास को अपने जीवन में उतारा। ये प्रेरणा उन्होंने गांधी जी से ही ली थी। देश को ऊंचा उठाने वाले इस महानुभाव का देहांत 11 जनवरी 1966 को हो गया। उन्होंने कार्यभार को केवल एक वर्ष ही संभाला, 11 जनवरी 1966 को उनका देहांत हो गया। उनके महान व्यक्तित्व के कारण उन्हें देश के लिए सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। तो शास्त्री जी कर्म को भी ईश्वर मानते थे, इसलिए उन्हें कर्म योगी भी कहा गया। जो भी काम करते थे मेहनत और लगन से करते थे, परिश्रम से करते थे। तो बच्चों, वो अब हम लोगों को भी ये सीख जाते जाते ये सीख देकर गए हैं कि इंसान अगर ठान लेता है, अगर वह संकल्प कर लेता है, तो चाहे कितना हो, बड़ा कठिन काम हो, मुश्किल काम हो, उस लक्ष्य को पाकर ही रहता है। तो बच्चों, ये चैप्टर आपको समझ में आ गया ना? लाल बहादुर शास्त्री, इसको पूरा चैप्टर रीड करना और लर्न करना।